इतने साल बीत गए पर आज भी एक इंतजार है जो इन आंखों में है, किसी की आहटें हैं जो आज भी मेरे कानों में बसी हैं। कभी कभार समझ में नहीं आता इनको शब्दों में कैसे बयां करूं ताकि वो समझ सके। तेरे भाई में भी दम है। 21 अक्टूबर आ रहा अपना नया वाला आहटे भाई क्या नहीं। समझ में आया क्या? ट्यूशन पढ़ा रहा है समझ में आया तेरी? ABCD समझ में आया क्या? My God, ओ मेरी शक्ल पे ध्यान मत दो, मैं बीमार हूँ, मेरी हालत बहुत टाइट है, बुखार उखार चढ़ा हुआ है, सर्दी वर्दी हो रखी है, खांसी भी हो रखी है। सर्दी खांसी ना मलेरिया हुआ, मैं गया यारो मुझको निमोनिया। तो जस्ट इनकेस तुम उन लोगों में से जिनको नहीं पता क्या हुआ है, कल एमिवे बंटाइन एक नया गाना निकाला है। समझ में आया क्या? 2+2=4 समझ में आया क्या? अबे मेरा तुझसे बड़ा है समझ में आया क्या? अबे टू मच फन समझ में आया क्या? कल एमिवे बंटाई ने एक गाना निकाला समझ में आया क्या, जिसमें उसने डायरेक्टली इनडायरेक्टली मीन डायरेक्टली डिवाइन रफ्तार और MC स्टैन जो भी है वो उसको डिस किया है। बट अकॉर्डिंग टू हिम ये डिस नहीं है, ये सच्चाई है। किसकी दुनिया में? तेरी। ये सच्चाई है समझ में आया क्या? तेरी। देखो पहली चीज, आई लव दैट ट्रैक, गाना फायर है, एक्चुअली फायर है, पंचेस फ्लो कतला है, एमिवे बंटाई हमेशा बहुत अच्छा है उन चीजों में। बट Factually, अगर मैं लिरिक्स ब्रेक डाउन करूं मैं ना, वो गाना कहीं स्टैंड नहीं करता, लिटरली गाना हवा में है। बट अगेन रैप इज ऑल अबाउट ब्रैगिंग अबाउट योरसेल्फ, सो चलता है, मैं पास देता हूं उस चीज में। और गाना जितना भी डोप क्यों ना हो, बट एमिवे को ये नहीं करना चाहिए था। समझ में आया क्या? ए ज्ञानी ऐसा क्या बोलता साले? रफ्तार ने ये बोला उसके लिए? पहली चीज, मैं श्योर नहीं तुम में से कितने लोगों ने वो इंटरव्यू देखा है। देखो अगर तुम्हें लग रहा है मैं रफ्तार को सपोर्ट कर रहा हूँ, नहीं मैं उसको भी सपोर्ट नहीं कर रहा, मैं किसी को सपोर्ट नहीं करता, क्योंकि मैं इतना काबिल नहीं, मैं इतना नॉलेजेबल नहीं कि मैं किसी को बैठ के जज करूं। एक बात और याद रखना इस वीडियो में, मेरी बातें उन लोगों की सच्चाइयां नहीं है, ये मेरे ओपिनियन है उन लोगों के लिए, मैं कहीं से भी उनको डिफाइन नहीं कर रहा क्योंकि मैं इतना काबिल इंसान नहीं हूं। और इस वीडियो को देख के समझने के लिए तुम्हारा न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है, तो मैं शुरू करता हूँ क्या हुआ है एक्चुअली। अभी कुछ दिन पहले रफ्तार का एक स्पेसिफिक कट रिलीज हो गया था या लीक हो गया था, जहां पे रफ्तार ने दूसरे लोगों को ऐसा कहते हुए दिखा था कि मैं रिच तू गरीब, और हमने उस पर वीडियो भी बनाई थी ये वाली, जिसके बाद रफ्तार ने राज जोन्स के साथ एक इंटरव्यू किया। वो इंटरव्यू मैंने नहीं देखा था, बट फाइनली रफ्तार को मेरी वीडियो दिखी और रफ्तार और मेरी इंस्टाग्राम पे चैटें हुई। रफ्तार ने वो वीडियो देखी और वो मुझे एक्सप्लेन करना चाहता था चीजें क्या हुई कैसे हुई, बेसिकली एग्जैक्टली वही चीज है जो उसने इंटरव्यू में एक्सप्लेन किया था। और उसने मुझसे कहा था कि एक बार इंटरव्यू देख, क्योंकि मैंने इंटरव्यू नहीं देखा था। राज जोन्स मेरे चैनल पे नहीं आना तू, नहीं देखेगा। Stop it. Get some help. तो रफ्तार ने वो इंटरव्यू देखने के लिए मुझे बोला, बट अगेन मैं इतना बिजी चल रहा था कि मैं देख नहीं पाया। और फाइनली कल एमिवे का गाना रिलीज हो गया। तुम्हें पता है गाने का नाम क्या है? नहीं पता। अबे समझ नहीं आया क्या? मैं अपने घर में जाके ना, मैं सही बता रहा हूँ, आज के बाद से अगले 7 दिन तक मुझे कुछ भी दिखेगा ना, मैं सिर्फ एक ही बार बोलेगा समझ में आया क्या। बट जब से एमिवे का गाना रिलीज हुआ है, तुम में से सबसे ज्यादा लोगों ने मुझे यही रिक्वेस्ट करी कि भाई एमिवे ने रफ्तार और डिवाइन को रिस किया भाई कवर कर। मैं कहा देख लेते हैं क्या जाता है, देख लेते हैं। तो मैंने देख लिया, समझ में आया क्या? इतने सारे मीम है ना इसपे, मेरे पास दोस्त आया, दोस्त ने बोला सिगरेट दे रहा, पलट के बोला सिगरेट खत्म हो गई, अभी क्या दे दिया, अबे खत्म हो गई, समझ में आया क्या? नहीं आया उसको। तो अभी इस वीडियो को बनाने से पहले मैंने वो इंटरव्यू देखा, और अब हम सबसे पहले बात करेंगे एमिवे बंटाई की। एमिवे बंटाई मैं नहीं जानता था आज से कुछ महीनों पहले, मुझे नहीं पता था। एमिवे बंटाई का मैंने पहला गाना सुना था #सड़क, और वो भी इसलिए सुना था क्योंकि रफ्तार तो एक बंदा जो मेन स्ट्रीम में रहकर अंडरग्राउंड पे नजर रखा हुआ और टैलेंट को सपोर्ट करने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मुझे पर्सनली लगता है उस बंदे को इतना चांस तो मिलना चाहिए था कि अगर उसकी बात मुझे कोई बुरी लगती तो एटलीस्ट मैं उससे बात करता। और ट्रस्ट मी,
रफ्तार मेरे जैसे बंदे को रिप्लाई करता है, मेरे जैसे बंदे को मैसेज करता है जिसको कोई सीरियस नहीं लेता, मैं खुद को सीरियस नहीं लेता, वो मुझे मैसेज करता है एक्सप्लेन करने के लिए चीजें। तो मैं इतना तो श्योर हूँ कि अगर एमवे को कोई बात बुरी लगी तो एक बार अगर वो रफ्तार से बात करने की कोशिश करता, डेफिनेटली रफ्तार उससे बात करता और वो मैटर सॉल्व करते। फॉर एग्जाम्पल जैसा इक्का वाले केस में हुआ था, और आज दोनों गुड है। और नहीं इंडिपेंडेंट बनकर दिखाना मेरा जैसा, अबे समझ में आया क्या भाई? इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट और लेबल आर्टिस्ट को तुम कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हो? तुम जो कर रहे हो ना वो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं वो नहीं कर सकते, उनके पास भी YouTube चैनल है। सो लिटरली मुझे समझ में नहीं आया तुम किस बेसिस पे अपने आप को बड़ा दिखा रहे हो। अभी उसके पास लेबल है जो फाइनेंस करता है, तुझे अपनी जेब से देने पड़ते हैं, समझ में आया क्या? हां मैन कम ऑन एमवे। मैं बहुत ज्यादा सोच में था कि क्यों, मतलब मैं गाना सुन रहा था और ओपनिंग लाइन पे मैं कंफ्यूज हो गया, फायर तो मैं बाद में एहसास करता, रफ्तार की आवाज सुनते मैं हो गया रफ्तार भाई कुछ हो गया। और मैं लिटरली मैं सोच रहा था कि क्यों, ऐसा क्यों है एमवे बन रहा है आज, मतलब पूरा प्रॉपर डिस्ट्रैक निकाल रहा है स्पेशली उस बंदे के लिए जिसने एक टाइम पे कोशिश करी है। एटलीस्ट मेरे को नहीं पता उतना डिटेल में, बट जितना मेरे को दिखा है उतने में तो मैं यही बोल सकता हूँ कि कोशिश करी हेल्प करने की। तो ऐसा क्यों है? ऐसा तो है नहीं एमवे बनता है, आज तक किसी ने नहीं बोला होगा कि ना पैसा बनाया, मैं नहीं बनाता, मैं इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट, समझ में आया क्या? तो ऐसा रफ्तार के बोलने में क्या बुरा फील हुआ कि भाई ने पूरा एक गाना बना दिया है जो फैक्ट सॉन्ग है, मतलब डिस्ट्रैक्ट नहीं है, फैक्ट सॉन्ग है। फिर मुझे एहसास हुआ मैं एग्जैक्टली सेम चीज करता आ रहा हूँ अपने चैनल पे सालों से। फॉर एग्जाम्पल मैं आज एमवे बनता के बारे में कुछ भी बोलूंगा वो मेरे ऊपर डिस्ट्रैक्ट नहीं बनाएगा, आई विल टेल यू व्हाई, क्योंकि मैं फेमस नहीं हूँ। रफ्तार फेमस है, रफ्तार का नाम चलता है। और ये सेम चीज मैंने PewDiePie, UIC, रेडियो सिटी के साथ करी है कि कॉपी करता है मेरे को। ए रेडियो सिटी वालों ने सच में किया था, कॉपी चला, समझ में आया क्या? सो टेक्निकली मैं समझता हूँ एमवे बनता है ने रफ्तार के ऊपर गाना क्यों बनाया, डिवाइन के ऊपर गाना क्यों बनाया। मतलब लिटरली अगर ये बात किसी और ने बोली होती ना शायद हम आज इस बारे में बात भी नहीं कर रहे होते, बट क्योंकि रफ्तार और डिवाइन है तो हम एक गाना सुन रहे हैं। बट अगेन मेरा पॉइंट सिंपल सा है, तुम इसके लिए रफ्तार और डिवाइन को ब्लेम नहीं कर सकते। ये नॉर्मल क्वेश्चन है जो तुम्हें जानता है वो तुमसे पूछेगा। जब मैं जॉब छोड़ के यूट्यूब पे आया था और मैं जहाँ पे भी जाता था या कोई भी पुराना कलीग मुझे कॉल करता था, वो तुम्हें क्या लगता है मुझसे क्या पूछता था? अरे भाई कितना कमा रहा है? मैं क्या लगता है आज मैं किसी से भी बात नहीं करता, क्योंकि उस टाइम पे मुझे जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, क्योंकि लिटरली मैं एक वेल पेड जॉब छोड़ के यूट्यूब कर रहा था जहाँ पे मैंने एक साल तक में एक रुपये नहीं बनाया और ये सारे लोग अपनी सैलरी उठा रहे। मतलब क्या मैं गुस्सा होकर आज उनपे डिस्ट्रैक्ट बनाना शुरू कर दूं? ये कितना कमा रहा है भाई? कुछ नहीं कमा रहा, समझ में आया क्या? तो गाना चाहे जितना भी फायर हो, बट मुझे लगता है गाने का जो पर्पस है वो गलत है। मोरालिटी और मेरा जो भाईचारा वाला हिसाब है उसके हिसाब से मैं सही बता रहा हूँ। ये जो ड्रामे चलते हैं ना ऑनलाइन पे, और स्पेशली जब दो लोग आपस में जानते हैं उनके बीच ड्रामे चलते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। तू जानता है ना उस बंदे को, कॉल कर ले, पब्लिक में क्यों ला रहा सब कुछ? बट नहीं, मैं ये नहीं कह रहा गाना बेकार है या मैं नफरत करता है एमवे से। आई लव एमवे बंटा है, बंटा है वो, और मैंने बहुत बार बोला हुआ है चैनल पे, रिसेंटली बहुत बार बोला हुआ है। मैं इवन एक वीडियो में मैं बोला था तुम लोगों को कि जाके उसको सुनो। सो मैं कुछ अगेंस्ट नहीं है एमवे बंटा के, क्योंकि मैं समझता हूं वो गाना क्यों है और किस लिए है, क्योंकि लिटरली अगर ये सीरियस लेके चल रहा है ना, रफ्तार ने कुछ गलत नहीं बोला उस इंटरव्यू में। मैंने वो इंटरव्यू देखा, मैंने वो पार्ट देखा, मे बी तूने गलत ट्यून पकड़ी, बट लिटरली रफ्तार जिस वे से बात करता है या पूरा कॉन्टेक्स्ट में तुम उसे देखोगे, वो एक बड़े भाई की तरह एक्सप्लेन कर रहा था। तो मेरे को नहीं लगता रफ्तार इस चीज में गलत था जस्ट बिकॉज उसने ये सवाल किया कि कितना बनाया। और दूसरा बंदा जिसके बारे में बात करेगा रफ्तार, देख रफ्तार और मेरा ना ऐसा समझो, मतलब बेसिकली मेरा और ड्रामा क्वीन का जो सीन था, हम कभी भी एक टर्म पे एग्री नहीं कर सकते। अगर हम एक बारे में बात करेंगे हर बार ऐसा होगा जहाँ पे उसकी एक अलग थिंकिंग होगी, मेरी एक अलग थिंकिंग होगी, बट हम दोनों इतने मेच्योर जरूर हैं कि हाँ हम लोग अंडरस्टैंडिंग पे आ सके, एक दूसरे के ओपिनियन को रिस्पेक्ट कर सके, विच इज रियली गुड। मेच्योरिटी का मतलब ही होता है कि अगर कोई बंदा तुमसे डिसएग्री करता है, तुम उसकी व्यूज को एक्सेप्ट करो, ओपिनियन एक्सेप्ट करो। और अगेन मैं वही बात बोलना चाहता हूँ, मैंने लास्ट वीडियो में भी इसी बारे में बात करी थी, यू कांट पुट नेम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा, तुम पब्लिकली किसी का नाम नहीं ले सकते। और नहीं, मैं इसके लिए रफ्तार को ब्लेम फिर से नहीं करने वाला, क्योंकि हम सब इंसान हैं और चीजें धीरे धीरे इंप्रूव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे को मालूम है जब रियल लाइफ में मेरे साथ कांड हो रहे थे ऑफिस में, मेरी एक गलती एक दिन पहले हुई, दूसरी गलती हुई दूसरे दिन, तीसरे दिन मुझे वार्निंग लेटर मिला, और चौथे दिन लिटरली मैं वही चीजें कर रहा था। तो समय लगता है चीजें समझने में, आगे बढ़ने में। रफ्तार जो कह रहा था दिल से कह रहा था, मैं मानता हूँ उस चीज को, उसका कोई गलत इंटेंशन नहीं था किसी बंदे को गलत दिखाने का, चाहे वो पहला इंटरव्यू हो चाहे ये इंटरव्यू हो। बस चॉइस ऑफ वर्ड्स
बहुत गलत थे और रफ्तार को इस चीज पे काम करना पड़ेगा। मैं पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता जब मैं रफ्तार के अगेंस्ट में कुछ भी बोल रहा हूँ, दिल से बुरा लगता पता नहीं क्यों। दूसरी चीज जो मुझे लगता है रफ्तार को समझनी पड़ेगी, हर बंदा पैसे के लिए काम नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल रफ्तार ने पार्ट वन में बहुत ज्यादा लिल गोलू के बारे में बात किया था, मुझे लिल गोलू के बारे में नहीं पता, बट एक चीज जो मैं तुम लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं म्यूजिक करता हूँ बट मैं म्यूजिशियन नहीं, मैं सिंगर नहीं हूँ, मैं रैपर नहीं हूँ, मैं शौकिया म्यूजिशियन हूँ। मेरा जब मूड होता है, मेरा जब दिल से आवाज आती है लिखने की, तब मैं करता हूँ। 2009-08 से मैं गाना गा रहा हूँ, बट मेरा कभी भी ये एम या सपना नहीं है कि मैं अपना गाना बेचूं या मैं लाइव शो करूं या मैं कुछ भी करूं म्यूजिक से रिलेटेड। मेरा पर्सनल मानना है म्यूजिक दिल से आता है, ये मेरा थॉट है और मैं अपने मूड के हिसाब से करता है, बट मेरा कभी भी एम नहीं रहा कि मैं म्यूजिक से पैसा बनाऊं। और यही रीजन है कि मेरा हर गाना आज भी फ्री है। मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि तू इसे करियर ले सकता है, इससे पैसा बना सकता है, और मैं चाहूं तो शायद मैं अभी अपने आप को इन्वॉल्व करके, एडवर्टाइजमेंट करके, मार्केटिंग करके या एक अच्छी टीम फाइंड करके कर सकता हूँ। जब ढींचे पूजा कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ सरकार, बट मैं नहीं करना चाहता क्योंकि मेरे दिल से आवाज नहीं आती कि मैं म्यूजिक को एज अ बिजनेस चलाऊं। मैं बना सकता हूँ बट मेरी सच्चाई सिर्फ इतनी है, दो वक्त की रोटी मुझे मिल जाए, रोना ना पड़े, हाथ ना फैलाने पड़े किसी के आगे, मैं खुश। मुझे करोड़पति नहीं बनना, मुझे फेमस सेलिब्रिटी नहीं बनना, मैं खुश हूँ। मैं जिस भी हालत में हूँ, जिन लोगों के साथ हूँ, मैं खुश। मेरे को पैसे की चाहत नहीं है। ऑफिस में मैं काम करता था और मेरी सैलरी बहुत लो थी, मैंने तुमको मेरी कहानी में बताया, मेरी सैलरी बहुत लो थी। मतलब मेरे सामने ऐसे लोग होते थे जो काम छोड़ते और उनकी भी सैलरी मेरे से डबल होती थी। फिर होते हैं ऐसे लोग जो आके तुम्हें समझाते कि ब्रो देखना, देख तू काम कर रहा है, हक मांग। और ये चीजें तुम्हारा जो सोच है, तुम्हारी जो थिंकिंग है, उसे बदलने में हेल्प करती है या फोर्स करती है उसे बदलने में। और लिटरली ऐसी बातों के चक्कर में मैंने इतनी जॉब बदली है, दो जॉब छोड़ के मैंने मेजोरिटी जॉब सिर्फ इसलिए बदली है क्योंकि कहीं ना कहीं मेरे को किसी ना किसी ने मेरे दिमाग में डाल दिया कि मैं मेहनत कर रहा है, मैं हार्डवर्क कर रहा है, बट मुझे पैसा नहीं मिल रहा जितना मेरे को मिलना चाहिए, जितना मैं डिजर्व कर। तो ओनली रीजन मैं अपनी पुरानी कंपनी, एक कंपनी जिसमें मैं 2.5 साल टिक गया, वो इसलिए टिक गया क्योंकि मुझे काम से इतना प्यार था। मैं मेरे अंदर 60 लोग होते थे जिनको मैट ट्रेन करता था, वो 60 लोगों में से कम 50 लोगों की सैलरी मेरे से ज्यादा थी। मैं उनका सीनियर था फिर भी मैं उनसे कम बनाता था और फिर भी मैं डेली ऑफिस जाता 12-13 घंटे काम करता था क्योंकि मुझे काम पसंद था, मुझे काम से प्यार था। कुछ बंदे होते हैं डिफरेंट टाइप के जो दो वक्त की रोटी, एक चकना, एक दारू और एक पैकेट सिगरेट, खत्म कहानी, समझ रहे। हर बंदे की प्रेफरेंस अलग होती है और मेरे को नहीं लगता मेरे पास कोई भी हक है कि मैं किसी के दिमाग में ये बात डालूं कि ये चीज गलत है, ये चीज सही है। अगेन यही चीज सोसाइटी हमें सालों से सिखा रही है, इट्स ओके टू बी डिफरेंट मैन, दैट्स माय होल पॉइंट, डू व्हाटएवर यू वांट टू डू। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन में, बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम लोग क्या सोचते हो पूरे ड्रामे में। मैं किसी के साथ नहीं हूं, मैं किसी के अगेंस्ट हूं, बट मुझे लगता है ये बहुत छोटा मैटर था जो इजीली सॉल्व हो सकता था। इसे पब्लिक में लाके और बढ़ावा देना मेरे हिसाब से गलत है और रफ्तार मुझे इस सीन में कहीं पे गलत नहीं लगता। द ओनली थिंग जो सही हो सकती है, मतलब गलत नहीं है बट इम्प्रूव हो सकती है, प्लीज स्टॉप यूजिंग नेम, डोंट यूज नेम्स इन फ्रंट ऑफ कैमरा। आप चाहे जितनी भी अच्छी बात कर लो, लोग आपके अगेंस्ट जाएंगे जाएंगे और ये चीज आपको पता है, मंतो वाले गाने से आपने सीख ही लिया है, देख लिया मैंने इंटरव्यू। बट अगेन ये मेरे ओपिनियन में, बिल्कुल जानना चाहूंगा तुम क्या सोचते हो, क्या तुम मेरे साथ एग्री करते हो, क्या तुम मेरे साथ डिसएग्री करते हो, फील फ्री टू लेट मी नो। ये एपिसोड खत्म कर रहा है, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया हो, और अगर एंजॉय किया स्मैक द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और आज का नोटिफिकेशन शॉट हो जा रहा है आहिल को, अगर तुम भी चाहते हो तुम्हारा नाम इन वीडियो में आए, शेयर दिस वीडियो, टैग मी इन दैट पोस्ट, क्या पता अगली वीडियो में तुम्हारा नाम हो। एंड दुर्गा पूजा आ रही है यार, अगर तुम में से कोई इंटरेस्टेड है मेरे साथ जाने में सीआर पार्क वाले दुर्गा पूजा में, तो लेट मी नो, सो आई विल बी देयर। तो अगर तुम मेरे साथ घूमना चाहते हो, हैंग आउट करना चाहते हो, मीट मी एट सीआर पार्क, आई विल अपडेट यू ऑन इंस्टाग्राम। तब तक के लिए समझ में आया क्या? पूरे पूरे हम शैतान, जरा जरा बचना रे हमसे, पूरे पूरे हम शैतान, दशहरा चल रहा है, समझ में आया क्या?